हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार इनोवेशन वाईफाई स्टडी में। तो आशा करता हूं आप बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है भी, हमारी डेली क्लास रहती है शाम 7 बजे, जिसमें हम एग्रीकल्चर के 20 क्वेश्चन कवर करते हैं जेट, आईसीआर और बीएचयू के लिए। तो जितने भी फ्रेंड्स क्लास को देख रहे हैं, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के पास तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि न्यू अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है केंद्रीय सूचक उद्यान विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय सूचक उद्यान विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, अजमेर। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बीकानेर में है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में कितने प्रतिशत नत्रजन पाई जाती है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में कितने प्रतिशत नत्रजन पाई जाती है? 25%, 20%, 15.5%, 16%। तो सेकेंड क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा 25% नत्रजन पाई जाती है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कुल तना परजीवी खरपतवार है। कुल तना परजीवी खरपतवार है, ऑप्शन आपके सामने है कस्कुटा, लोरेंथस, स्ट्राइगा, ओरोबक्की। तो 3 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कस्कुटा, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कुल घुलनशील ठोस का मापन किसके द्वारा किया जाता है। कुल घुलनशील ठोस का मापन किसके द्वारा किया जाता है? लैक्टोमीटर, जेल मीटर, ब्रिक्स मीटर, एनीमोमीटर। तो 4 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ब्रिक्स मीटर, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा ब्रिक्स मीटर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कुसुम की फसल किस मौसम में उगाई जाती है। कुसुम की फसल किस मौसम में उगाई जाती है? खरीफ, जायद, कभी भी या फिर रबी में। तो 5 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा खरीफ, यानी बी ऑप्शन सॉरी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है ना, खरीफ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कच्चे अस्थि चूर्ण में अधिक मात्रा में होता है। कच्चे अस्थि चूर्ण में अधिक मात्रा में होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, तांबा, लोहा। तो 6 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा फास्फोरस, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, फास्फोरस होगा अधिक मात्रा में। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कद्दू पर लगने वाला एफिड किस खरपतवार पर शरण लेता है। कांस, हिरणखुरी, जंगली जई, गोखरू। तो 7 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हिरणखुरी, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। और एक आपकी इंक्वायरी के लिए मैं बता दूं, अगर किसी भी दोस्त को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर रहा हूँ, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से जाकर के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। प्रत्येक क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिलेगी, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, काली क्रांति किससे संबंधित है। तिलहन, बायोडीजल, उर्वरक, झींगा। तो 8 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बायोडीजल, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कॉटन सीड कहाँ जाता है। कॉटन सीड कहाँ जाता है? रुई को, बिनोला को, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 9 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा बिनोला को कॉटन सीड बोला जाता है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, काजरी कहाँ स्थित है। काजरी कहाँ स्थित है? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, अजमेर। तो काजरी है वो जोधपुर में स्थित है, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आफरी स्थित है अजमेर में, बीकानेर में, उदयपुर में, जोधपुर में। तो 11 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा आफरी स्थित है जोधपुर में। काजरी और आफरी दोनों का मुख्यालय है वो जोधपुर में है,
डी ऑप्शन आपका यहां पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कोटा में निम्नलिखित में से किस संस्थान का उर्वरक प्लांट है, किस संस्थान का उर्वरक प्लांट है, टाटा केमिकल्स, इंडोग्लफ, चंबल फर्टिलाइजर्स एवं केमिकल्स इफको। तो 12 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी, यानी चंबल फर्टिलाइजर्स एवं केमिकल्स। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। कोटा में निम्नलिखित में से किस संस्थान का उर्वरक प्लांट है, तो चंबल फर्टिलाइजर्स एवं केमिकल आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कौन से पोषक तत्वों की कमी से पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती है, फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, सल्फर। तो 13 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा सल्फर, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। सल्फर तत्वों की कमी से पौधे की पत्तियां हैं वो पीली पड़ जाती है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान भारत में 5 फसलों पर अनुसंधान कर रहा है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान भारत में 5 फसलों पर अनुसंधान कर रहा है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो होगा ICRI, SAT, ये जो संस्थान है वो भारत में 5 फसलों पर अनुसंधान कर रहा है, ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कौन सा नत्रजन उर्वरक प्रमुख रूप से फर्टिगेशन के रूप में प्रयोग होता है, कौन सा नत्रजन उर्वरक प्रमुख रूप से फर्टिगेशन के रूप में प्रयोग होता है, अमोनिया, यूरिया, DAP, उपयुक्त सभी। तो 15 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अमोनिया, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा जीव जैव उर्वरक के रूप में काम आता है, कौन सा जीव जैव उर्वरक के रूप में काम आता है, एंजोला, इकोलोई, स्पाइरोगायरा, केसिया। तो 16 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा एंजोला है, वो जैव उर्वरक के रूप में काम आता है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कौन सा वनस्पति तेल रोगियों के लिए अच्छा होता है, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, सोयाबीन तेल, सूरजमुखी तेल। तो 17 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा सूरजमुखी का तेल है वो रोगियों के लिए अच्छा होता है, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कौन सा उर्वरक उदासीन उर्वरक कहलाता है, यूरिया, केन, DAP, सोडियम नाइट्रेट। तो 18 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा उदासीन उर्वरक कहलाता है, तो CAN केन जो उर्वरक है वो उदासीन उर्वरक कहलाता है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कौन सा पोषक तत्व पौधों में नत्रजन स्थिरीकरण में सहायक है, कौन सा पोषक तत्व पौधों में नत्रजन स्थिरीकरण में सहायक है, कैल्शियम, मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम, मैग्नीज। तो 19 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मोलिब्डेनम, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कौन सा पोषक तत्व पौधों में रंध्रों के घुलने व बंद होने में सहायक है, कैल्शियम, बोरोन, सल्फर, पोटेशियम। कौन सा पोषक तत्व पौधों में रंध्रों के घुलने व सॉरी रंध्रों के खुलने व बंद होने में सहायक है, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पोटेशियम तत्व है वो रंध्रों के खुलने व बंद होने में सहायक है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने 20 क्वेश्चन कवर किए हैं, सभी आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जैसे ही नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में आपकी डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि न्यू अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।